तो जेल में बढ़ती घटनाओं के लिए क्या जेल स्टाफ की कमी बड़ी वजह है? नई सरकार में जेल की घटनाओं पर नकेल कस पाएगी? देखते हैं पठानकोट से जी मीडिया संवाददाता अजय महाजन की एक खास रिपोर्ट। पंजाब की बात में आज हम बात करेंगे जेलों की सुरक्षा की और कुछ सवालों के साथ यहाँ लोग कुछ मेरे साथ हैं। जनाब आप बताइए कि पंजाब की जेलें जो हैं वो क्या सुरक्षित हैं? पंजाब की जेलों में आए दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती है। पंजाब की जेलें जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। ये सरकार का जिम्मा है कि पंजाब की जेलों को सुरक्षित करने के लिए कड़े से कड़े कदम जो सरकार को उठाने चाहिए। जनाब आप बताइए कि नाभा जेल ब्रेक कांड के बाद क्या प्रशासन ने उससे सबक लिया था? अभी तक कोई लिया था कोई ना प्रशासन क्या बाकी चाहिए भी जो प्रशासन उनको चाहिए सारा अच्छा भी करेगा जो आगे क्या करना चाहिए प्रशासन जो सारी उनकी जो स्टाफ उस पर बिताना चाहिए स्टाफ को सारा अच्छा करना चाहिए तभी काम चलेगा। आप बताइए क्या अमरिंदर सरकार जो है वो ऐसी जो जेल में घटनाएं हो रही हैं क्या उन पर नकेल कस पाएगी? बिल्कुल जी स्टाफ लाना चाहिए बस स्टाफ घट है वैसे स्टाफ होना चाहिए बस सब ठीक है। क्या अमरिंदर सरकार जो है वो ऐसी घटनाओं पर नकेल किस्म में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल कामयाब होगी। मैं तो समझता हूँ कि जो नाभा कांड हुआ था वो अकालियों सरकार की निकम्मापन था। आप बताइए क्या पंजाब की जेलें सुरक्षित हैं? सर पंजाब की जेलें जो ऐसी है वो काफ़ी देर से इसका सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है उसको थोड़ा टाइम लगेगा धीरे धीरे ठीक करने में, मगर हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी पंजाब सरकार अभी कैप्टन साहब की सरकार आई है इसे पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से चलाने में सक्षम है और इसकी जो नई नीतियाँ नई पॉलिसियाँ आ रही हैं उसके अलावा ये बिल्कुल अपने सही ढंग से इसको कारगुजारी कर सकती हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। और मेरे ख्याल में कैप्टन साहब बहुत सक्षम हैं इस काम के लिए और वो बहुत जल्दी इस सब पे नकेल लगा लेंगे, इतना हमारा जो हमें विश्वास है कैप्टन साहब। जी बिल्कुल, जैसे कैप्टन सरकार ने जो है सत्ता में आते ही कई बड़े कदम उठाए हैं और कई बड़े फैसले लिए हैं और जनता का मानना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी कैप्टन सरकार जो है वो बड़े कदम उठाएगी। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट।